हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चना का दाल का पराठा और सेवई बनाने चल रहे हैं। ये चना का दाल हम भिगोए थे, इसको हम हल्का सा बॉयल कर लिए हैं। इधर हमने जीरा भूंज के इतना ले लिया है, एक चम्मच बड़ा चम्मच। दो मिर्चा लिया है, लहसुन, हरी धनिया, इसको हम पहले पीसेंगे फिर उसमें फ्राई करेंगे। इसको हम सिर्फ पीसने चल रहे हैं अभी। तो हाँ देखिए, इसमें हम थोड़ा सा मिर्चा पाउडर मिला रहे हैं और ये हम हल्दी मिला रहे हैं। इसको हम फ्राई करने वाले हैं, इस तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं, देखिए। हाँ दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम जीरा को डाल रहे हैं। जीरा मेरा हो गया है। ये हम जो पीसे हुए हैं जीरा, लहसुन, मिर्चा, धनिया, उसको हम पहले फ्राई करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर इस तरह से आप बनाएंगे इस तरीके से तो बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसके बाद हम दाल को डाल रहे हैं। इसमें हम नमक डाल रहे हैं। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर। अभी हम इसको भूंज रहे हैं अच्छे से। ये अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम पीस लेंगे। अभी बीच बीच में चला के हम फ्राई कर रहे हैं, जब तक कढ़ाई में चिपकने नहीं लगेगा तब तक हम निकालते नहीं हैं इसको। ये देखिए, हमारा दाल अच्छे से पक गया। उबाले थे पहले, लेकिन इसको हम मसाले में अच्छे से पका रहे हैं ताकि अच्छी खुशबू आए इसमें से। इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको सील पे पीसेंगे, मिक्सर में नहीं पीसेंगे। सिल बट्टे पे पीसने से बहुत टेस्टी बनता है।